अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम पबजी टेस्ट करेंगे सैमसंग A72 का। और मैं आपको बताऊं, ये भी 8 GB रैम 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में 70,000 रुपये की प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुआ है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और अगर हम बात करते हैं चिपसेट की, तो एड्रीनो 618 का हमें जो चिपसेट है वो हमें मिल जाता है। बहरहाल इस प्राइस रेंज में तो ये बहुत महंगा है, क्योंकि अगर हम इसके जो दीगर जो कंपनी स्पेशली चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, उनको देखें तो वहाँ पे हमें इनसे काफ़ी बेहतर जो है स्पेसिफिकेशन इस प्राइस रेंज के अंदर वो ऑफर कर रहे होते हैं। बहरहाल हम टेस्ट करेंगे आज दोस्तों पबजी को, और देखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस हमें पबजी में मिलती है। तो सबसे पहले मैं पबजी को ऑन कर लेता हूँ। 30 मिनट्स का हम गेम प्ले करेंगे और यहाँ पर हीटिंग जो है ना वो चेक करेंगे। अभी से मैं आपको यहाँ पे जो हीटिंग है दिखा देता हूँ। 37.2 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को ये नज़र आ रही होगी, मैं करीब से करके दिखाता हूँ। ये 37.2 सेल्सियस है इस वक्त। ये सीपीयू का टेम्परेचर है। मैं आपको बताऊँ, ये जो चिपसेट अंदर लगा हुआ है ना, ये उसका है। वॉल्यूम को थोड़ा सा अभी फ़िलहाल कम करते हैं, जब स्टार्ट होगा तो फिर मज़ीद बढ़ा देंगे। और 30 मिनट का हम गेम प्ले करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे किस तरह का गेम प्ले हमारा रहता है। हीटअप इशूज़ को साथ साथ चेक करेंगे, बैटरी को भी चेक करेंगे। बैटरी इस वक्त 56% है। ये देखें 56% बैटरी हमारे पास। ये सारी चीज़ें साथ साथ हम चेक करते चले जाएंगे, गेम प्ले करते चले जाएंगे। और जैसे स्टार्ट होगा मैं यहाँ पे, बल्कि मैं स्टार्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग को भी देखना है ना हमने। तो जो टाइमर है दोस्तों वो हमारा ऑन हो चुका है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, 720G का हमें चिपसेट मिलता है ड्रिनो 618 की GPU के साथ। और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह का परफॉर्म करता है। और गेम शुरू होने से पहले सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ग्राफिक्स की क्या ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो देखें, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे HD और हाई पे सेट है। मैं ज़रा करीब से करके आपको दिखाता हूँ। ये फोकस हो गया। और अगर हम अल्ट्रा HD तक जा सकते हैं, नहीं जी, कमिंग सून आ रहा है, अल्ट्रा HD नहीं है और HDR भी नहीं है। ये देखें, HDR भी नहीं है, सिर्फ HD में हाई तक जा सकते हैं, इसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते। 70,000 रुपये का फ़ोन आपको HD पे सिर्फ हाई फ्रेम रेट पर गेम खेलने की इजाज़त देता है। बहरहाल हम इसको कलरफुल कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद सेटिंग को भी देख लेते हैं, क्या क्या हम शेडोज़ ऑन हैं। ठीक हो गया, इसको ओके कर देते हैं। और अब हम देखते हैं, ये हाई है, ठीक है, इससे हाई हम जा नहीं सकते। और इससे हाई अगर हम जाएंगे, अच्छा लॉबी में कहाँ तक जा रहा है, लॉबी में भी जो है ना ये उससे ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ HD पर, और HD पर हाई फ्रेम रेट आप खेलेंगे, ठीक है। चलें जी, इसको गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। और बैटरी जैसे हमने देखी 56% है। और हीटअप को भी साथ साथ देखते चले जाएंगे। अभी हम कूदेंगे यहाँ जहाज़ से और देखते हैं कि इनिशियली आप उनसे पूछो तो यार बड़ा स्मूथ मुझे लग रहा है। अभी स्टार्ट की बात करूँ, कोई जर्क फील नहीं हो रहा, कहीं पे कोई फ्रेम ड्रॉप नज़र नहीं आ रहा। स्पेशली ग्राफिक्स अगर अभी की आप बात करें तो ग्राफिक्स ओवरऑल बेहतर नज़र आ रही है मुझे। तो आई होप कि यहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगी। यार सही, कोई गन ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ उतार दिया इसने मनहूस ने। अच्छा यार, मेरा पबजी में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ वैसे, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ज़्यादा खेलता हूँ। लेकिन यह है कि आप लोगों की डिमांड की वजह से, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का कि सैमसंग गैलेक्सी A72 के अंदर हम चेक करें कि पबजी का गेम प्ले किस तरह का है, तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। तो गेम में तो मैं फारिग हूँ, बस परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है। यहाँ पे दुश्मन है और दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं।
जी दोस्तों 10 मिनट हमारे पास हो गए हैं, यहाँ पे ज़रा छुप जाते हैं कहीं पे और हम चेक करते हैं यहाँ पे अपने डिवाइस को कि अब इस वक्त किसकी क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी हमारे पास 55% हुई है और हीटअप दोस्तों आप देखें 43 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर हम मतलब बाहर से इसको देखें तो ये 40 के अराउंड होगा इस वक्त, तो चलें ठीक है। और मुझसे अगर आप पूछो तो मुझे तो डिवाइस तकरीबन मतलब हल्की सी वार्म होती हुई फील हो रही है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी हल्का सा वार्म हुआ है, हालांकि एमोलेड पैनल है, एमोलेड पैनल जो है ना वो ज़रा जल्दी वो हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो ये हमारे पास पोजीशन है दोस्तों। जी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ पे आ रही है, ग्राफिक्स रेंडरिंग बड़ी अच्छी है यहाँ पे हो रही है और किसी किस्म का कोई जर्क हमें फील नहीं हो रहा। HD क्वालिटी में हम यहाँ पे जो हमारा गेम प्ले है वो चल रहा है PUBG की अगर हम बात करें। अच्छा वैसे तकरीबन 19 मिनट हमें हो गए हैं, चेक कर लेते हैं ज़रा यहाँ पर गेम को रोक के। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैटरी को देखें दोस्तों, ये 53 मिनट्स की बैटरी हमारे पास रह गई है और 43.4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो हीटअप जो हीटिंग है CPU की वो 43 तक पहुँच गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेटस हो गया। वैसे मैं अगर बाहर से आपको बताऊं तो फ़ोन का जो बैक एरिया ये टॉप जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, हल्का हल्का मुझे अब गर्म फील हो रहा है, मतलब वार्म से हीट की तरफ आ गया। नीचे वाला जो एरिया ये तो बिल्कुल ठीक है। और डिस्प्ले की अगर हम बात करें, डिस्प्ले अब गर्म हो गया, ठीक ठाक गर्म हो गया डिस्प्ले, और मतलब अभी 20 मिनट गेम किया है और डिस्प्ले जो है हमारा वो अब हीट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल जो डिवाइस की जो सिचुएशन है वो, और तकरीबन ये 19 मिनट का गेम प्ले हमारा कंप्लीट हो गया है। 10 मिनट का गेम प्ले और करेंगे और देखेंगे ओवरऑल हमारे पास तब तक क्या परफॉर्मेंस रहती है पबजी के अंदर। तो ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये मैं गलत जा रहा हूँ, तो मैं इसको मोड़ लेता हूँ। अब मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद। ठीक है बॉस, चलें जी ये तो हमारा गेम प्ले था। 30 मिनट्स का हमने वैसे टारगेट रखा था, 27 मिनट्स भी चलो 30 मिनट्स ही हो गया तकरीबन। अभी अगर हम सिचुएशन की बात करें तो देखें जी 51% हमारे पास जो बैटरी है वो रह गई है फ़ोन की, ठीक है, तकरीबन 28 मिनट के गेम प्ले के बाद। और 43 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो क्या कहते हैं हीटअप है इस वक्त फ़ोन, अब फ़ौरन से ये नीचे आ जाएगा। 39.2 टेम्परेचर दिखा रहा है ये, देखें 39.2। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एंटूटू की जो स्कोरिंग है इस फोन इस चिपसेट के लिए सैमसंग गैलेक्सी A72 के अंदर, वो ये स्कोरिंग है हमारे पास, ये मैं आपको दिखाना भूल गया था वीडियो के शुरू में। दोस्तों ये हमारे पास पबजी का गेम टेस्ट आप लोगों ने देखा। हीटअप जो है वो अगर मुझसे आप पूछें इस वक्त डिस्प्ले हीटअप है और बैक पैनल तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, मतलब बहुत ही हल्का हीटअप है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि फ़ोन के अंदर कोई हीटअप इशूज़ नहीं है। बैटरी बैकअप मुझे यार बहुत इंप्रेसिव लगा, बहुत इंप्रेसिव लगा इसका। आधे घंटे का HD पर हमने यहाँ के पबजी जो है वो खेला है, लेकिन उसके बावजूद भी बैटरी बैकअप हमें अच्छा लगा।
आपकी क्या राय है सैमसंग गैलेक्सी S72 के अंदर पबजी के हवाले से, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसी वीडियो जो आप देखना चाहते हो सैमसंग गैलेक्सी S72 की, वो भी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।